समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ उनकी ही देवरानी को मैदान में उतारने का सोचा है। इसको लेकर अपर्णा से भी सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने जवाब भी दिए। अपर्णा ने बात करते हुए बताया कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं परिवार का बहुत ही सम्मान करती हूँ और पार्टी से इस नतीजे पर अभी कोई बात नहीं हुई है। अपर्णा यादव आज से नहीं बल्कि शुरुआत से पार्टी के मूल्यों के साथ हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे घोषणा पत्र में किए थे, हमने उन्हें पूरा किया। जो भारत का मान वैश्विक मंच पर बड़ा है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और साथ ही 3 तलाक भी खत्म कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ, साथ ही तमाम ऐतिहासिक फैसले हैं जिनके कारण बीजेपी वापस सत्ता में आएगी। अपर्णा यादव से जब पूछा कि क्या वो चुनाव में उतरेंगी अगर उन्हें प्रियंका वाड्रा के खिलाफ रायबरेली से टिकट दिया जाए, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अपर्णा को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। जहां तक बात करते कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की, तो वो अब कांग्रेस के अंतिम दिन आ गए हैं। हर ओर जनता भी ये जान चुकी है कि ये वही लोग हैं जो चुनाव के समय केवल बातें करके चले जाते हैं। राहुल पर भी अपर्णा ने बोला कि कितनी छुट्टियां विदेश में बिताते हैं सब देश की जनता को पता है। पिछली बार अमेठी में हार कर वायनॉड भागना पड़ा था। राहुल गांधी के नेता कैसे महिला विरोधी अपशब्द कर रहे हैं, जनता सब देख रही है।